नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में किसान बिल के विरोध में सपाइयों ने निकाली ट्रैक्टर और बैलगाड़ी रैली। सपा जिला अध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी के नेतृत्व में सैकड़ों सपा समर्थकों के साथ फर्रुखाबाद की कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गांव मई रसीदपुर से मई हादी दादपुर तक ग्रामीण क्षेत्र में बैलगाड़ी और ट्रैक्टर से सैकड़ों लोगों के साथ रैली निकाली गई। भारत सरकार के द्वारा लाए गए किसान बिल के विरोध में सपा जिलाध्यक्ष ने कहा, जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाएंगी निरंतर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। किसान यूनियन के समर्थन में सपा ने गांव मई रसीदपुर से मई हादी दादपुर तक रैली का आयोजन किया। यूनिट लगातार किसानों के समर्थन में ज्ञापन, धरना और प्रदर्शन और रैली कार्यक्रम कर रही है। आज उसी चरण में ग्राम रसीदपुर मई से मई हादीपुर होते हुए तमाम गांवों का भ्रमण बैलगाड़ी से और ट्रैक्टर रैली से करके किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन प्रदर्शित किया है और किसानों की मांगों को लेकर हमने अपना जो प्रदर्शन का रैली निकाल कर तरीका अपनाया है। ये क्रम हमारा निरंतर जब तक जारी रहेगा जब तक किसानों का आंदोलन जारी है। आज के कार्यक्रम में क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किसानों ने अपना समर्थन व्यक्त किया। हम लोगों खेतों के बीच में से निकले, गाँवों में गए और लोग किसानों की मांगों को जमीनी हकीकत को समझा। समाजवादी पार्टी, जिला समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद पूर्णतया किसानों, भारतीय किसान यूनियन के साथ है और किसान आंदोलनरत किसानों के पूरी हमदर्दी हमारे साथ। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए द नेटिजन न्यूज के साथ। नमस्कार।